दुनिया भर के योग गुरु नाखून रगड़ने की सलाह देते हैं, जिसे बालयाम भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है बालों का व्यायाम। नाखून रगड़ने की प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है, जो आज भी कारगर है। नाखून रगड़ने के चार फायदे। एक्यूप्रेशर थेरेपी में नाखून को रगड़ने को काफी अहमियत दी जाती है। मौजूदा दौर की अनहेल्दी डाइट, दूषित पानी और बिजी लाइफस्टाइल की वजह से बालों का कम उम्र में झड़ना, बालों का पतला होना, गंजापन और असमय सफेद बालों की परेशानियां काफी मात्रा में सामने आने लगी है। आइए आपको बताते हैं कि नाखूनों को रगड़ने से क्या फायदे होंगे। पहला, एक साथ चार का बालयाम करने से गंजापन, बालों का झड़ना, पतले बाल और सफेद बालों की समस्या दूर होती है। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन। बालयाम करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिसकी वजह से चेहरा निखर जाता है और बॉडी में ताकत आती है। तीसरा, बालों की रीग्रोथ। अगर आपके बाल काफी हद तक झड़ चुके हैं, बालयाम के जरिए इसे दोबारा उगाया जा सकता है। चौथा, स्किन के लिए फायदेमंद। नाखूनों को बार बार रगड़ने से चर्म रोग दूर हो सकता है। बालयाम करने का तरीका क्या है? बालयाम करने के लिए अपने हाथों को छाती के पास रखें और उंगलियों को अंदर की तरफ लाएं और नाखूनों को एक दूसरे से रगड़ें। जितना हो सके इसे लंबे समय तक के लिए करते रहें। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए अंगूठों को ना रगड़ें, और अगर आप रोज 5 से 10 मिनट तक इसे प्रैक्टिस में लाते हैं तो ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। एहतियातन बरतना भी है जरूरी। प्रेग्नेंट महिलाएं बालयाम ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इससे गर्भाशय में संकुचन हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी नाखूनों को रगड़ना नुकसानदेह। स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों से जानकारी अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।